वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल है, मेरा चैनल का नाम है सौरभ आईएएस लेक्चर, जो कि फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जिसका नाम है सौरभ आईएएस लेक्चर। आज का जो क्लास है, सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, और जो कि सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, और जितने भी मेरे दर्शकोंगण है और जो भी जो यूट्यूब पे मेरा देख रहे हैं वीडियो, और यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अन्यथा ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। और रिस्क फैक्टर एंड कंसिक्वेंस सब्जेक्ट सोशल जस्टिस। रिस्क फैक्टर एंड कंसिक्वेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच ए डिसऑर्डर कैंसर डायबिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 61% डेथ इन इंडिया। 61% डेथ इन इंडिया इन पीपल बेसिकली डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डिसऑर्डर कैंसर डायबिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 61% डेथ इन इंडिया। डेथ इन इंडिया बेसिकली फैक्टर चेंजिंग रिस्क, बेसिकली फैक्टर चेंज ऑफ रिस्क अनहेल्थी फूड बेसिकली चेंजिंग ऑफ फैक्टर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यस एक्सरसाइज एंड बेसिकली तमाकू इंटेक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बेसिकली एनवायरमेंट फैक्टर बेसिकली एटमोसफेयर ऑफ द ट्री अदर इज अ बेसिकली एटमोसफेयर ऑफ द इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर एज सेक्स फैमिली हिस्ट्री बेसिकली रिस्क फैक्टर एंड कंसिक्वेंस बेसिकली फैक्टर ऑफ चेंजिंग हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर हाई ब्लड फैट कंसिक्वेंस कार्डियोलॉजिकल डिजीज डायबिटीज कैंसर बेसिकली डेंटल डिजीज शॉर्टनेस बेसिकली रिस्क फैक्टर कंसिक्वेंस बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली डिसऑर्डर कैंसर डायबिटीज अकाउंट फॉर 61% डेथ ऑफ इंडिया बेसिकली ऑल इंडिया 61% डेथ ऑफ इंडिया बेसिकली इल डिजीज बेसिकली डिसऑर्डर कैंसर डायबिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 61% डेथ ऑफ इन इंडिया बेसिकली डिजीज हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर हाई ब्लड फैट एक्सीज वेटेज दीज आर थ्री टाइप कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड वाटर कनेक्ट ड्यू टू एंड एनिमल इटीसी आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली वाटर फूड एनिमल इटीसी आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज दे आर स्प्रेड बाय वेरियस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वर्म इटीसी एग्जांपल मलेरिया एड्स ट्यूबरकुलोसिस रैबीज These are communicable disease various factor virus bacteria protozoa example malaria aids tuberculosis the integrated disease surveillance program is one of the major national health program under the national health mission increasing the trend of communicable disease to extend the decentralizing monitoring system to monitor basically integrated disease surveillance program is one of the major national health program aim to increase the trend of communicable disease decentralized monitoring system basically
केवल डिजीज बेसिकली वेरियस फैक्टर एड्स मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी रेबीज डेंगू बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज आउटब्रेक एट एन अर्ली स्टेज थ्रू ट्रेन रैपिड रिस्पांस टीम यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेबल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेबल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज कलेक्शन एनालिसिस डिसमेंटेशन ऑफ डाटा बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल टीबी इज कॉल्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिस ऑकर थ्राउज एयर रिलीज ड्यूरिंग द बर्थ बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज बेसिकली इल बीमार सफरिंग फ्रॉम Only one patient can affect more than 10 people. Only one patient can affect more 10 people during the whole years. National Health Program 2017 acknowledged the co-infection HIV, TB and the increase in the incidence drugs resistant tuberculosis. Major challenge. Anyone can become affected tuberculosis. But a person HIV high risk contracting tuberculosis. Basically tuberculosis controlling. Basically controlling. Leprosy control. Leprosy caused by germ leprosy can be spread by coming in contact. Infected leprosy patient who have not been treated for many days. It is caused by bacterium called Mycobacterium leprosy. Leprosy control. Any stage of leprosy can be completely with the help of multi-drugs. MDT. Multi-drug therapy. And if it taken regularly. Available free of cost. Unit of all hospital, community, health center and public health center in reach. District but is mandatory to make MDT. MDT basically full for a multi-drug therapy regularly for at a time period by the medical doctor. HIV AIDS basically disease control around 35 million people HIV worldwide. So far the number of HIV AIDS patient in India about 0.26%, 2.1 million of the total population 2.1 of the total population. HIV human immunodeficiency virus is a type of retrovirus that if not treated properly can lead to acquire. Syndrome AIDS is the most severe stage of HIV infection. Currently there is no completed HIV AIDS, but the treatment used to control the virus is called antiretroviral therapy. Basically HIV AIDS disease control, basically HIV AIDS patient 0.26%, 2.1 million of the total population.
बेसिकली टोटल पॉपुलेशन द HIV एड्स प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स कंट्री टू इनडिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन्फेक्टेड पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्टेड पर्सन HIV एड्स डिजीज कंट्रोल ऑफ द एक्ट प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 वेक्टर बोरोन डिजीज कंट्रोल कॉमन वेक्टर बोरोन डिजीज वुमेन इंक्लाइ डेंगू फीवर जापानीज मलेरिया जीका ETC बेसिकली वेक्टर बोरोन डिजीज कंट्रोल नेशनल वेक्टर बोरोन कंट्रोल प्रोग्राम बीन कंडक्टेड फॉर द प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल मलेरिया वेक्टर बोरोन डिजीज बेसिकली मलेरिया फीवर दीज आर डेंगू इंसेफ्लाइटिस जीका दीज आर कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल द नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2003-04 बाय मर्जिंग एंड नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल फलेरियाज कंट्रोल प्रोग्राम एंड कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम जापानीज डेंगू हैव ऑल्सो बीन इंक्लाइडेड अंडर दिस प्रोग्राम वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल बेसिकली फीवर कालाजार जीका मलेरिया बेसिकली डेंगू बेसिकली वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल Esteem cell bank are a group, a special type of cell found in living organism and human which have ability to develop into any organ. Any organ cell in the body is the found living organism, humans which have ability to develop into any organ or cell in the body. These cell capable repairing or replacing any type of cell in the human body. Stem cell banking commendable effort toward providing health protection to the babies. Stem cell bank basically providing health protection to babies. Basically living organism and human which ability develop into any organ cell in the body. These include leukemia, striatum, immune system, palliative, RBC, plasma cell, back pain, visual impairment due to old age, cancer, diabetes, spinal cord damage, many type of genetic disease tumor can be cured forever. Basically stem cell bank of these including visual impairment, old age cancer, protection, diabetes, spinal cord damage, many types of genetic disease or tumor can be cured forever. Basically, stem cell banking. Tomorrow discuss your classes, social justice as a current affair. Today of the social justice discuss your